नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी में सीआरपी संघ का प्रांतीय अधिवेशन शहर के हिंदी भवन में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश भर से आए सीआरपी संघ के लोग शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अधिवेशन में प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, प्रदेश भाजपा महामंत्री विधायक हरिशंकर खटिक ने शामिल होकर सीआरपी संघ की 3 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखने की बात कही। मालूम हो कि सीआरपी संघ लंबे समय से पंचायत कर्मियों का दर्जा देने के साथ ही आजीविका मिशन में निकलने वाले भर्तियों में योग्यता के हिसाब से प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है, मगर कम मानदेय होने के चलते उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों ने सीआरपी संघ को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और निराकरण करने की पहल की जाएगी। सीआरपी संघ के माध्यम से आज का एक कार्यक्रम किया गया, सभी को बुलाया गया है। हम आपका आश्वासन करना चाह रहे हैं, हमारे मध्यस्थ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये काम किए हैं। वैसे वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्यस्थ मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को काम देने का काम किया और करोड़ों रुपया माताओं बहनों के खातों में सीधा पहुँचा है। माता बहन स्वयं अपने पाँव के ऊपर खड़े हो और अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने पति के सामने हाथ न फैलाएं, इसके लिए उनको मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनेकों योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिया जाए, जिसमें एनआईएलएम एक योजना भी है, तो उसके माध्यम से दिया जा रहा है। सिलाई, जैसे सिलाई करने का काम भी दिया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई उद्योग, मसाले पापड़ उद्योग, अनेकों उद्योगों के माध्यम से माता बहनें, जैसे 10 माताओं बहनों का एक समूह होता है या 20 माताओं बहनों का समूह होता है, एक ही लक्ष्य है कि हमारी माताएं बहनें 10,000 से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह उनकी उनको रोजगार मिले, 10,000 रुपये का उनको रोजगार हर महीने मिले, जिससे कम से कम वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। हमारी माता बहनें एक काम भी कर रही हैं, उनको 10,000 रुपये से लाभ भी हो रहा है। कोई ऐसी एनआईएलएम में काम करने वाली कोई भी ऐसी माँ हमारी नहीं है, बहन नहीं है, जिसको 10,000 रुपये नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 10,000 भी मिल रहा है, किसी को 15,000 भी मिल रहा है, किसी को 20,000 रुपये भी मिल रहा है। उनका लक्ष्य एक ये है कि हमें एक मासिक रूप से स्थायी रूप से एक लक्ष्य निर्धारित करके हमें 10,000 रुपये महीने का दिया जाए। वही बात हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक भेजा जाए। वैसे हम तो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, मुख्यमंत्री और ज़्यादा भी दे रहे हैं। इस बार 800 करोड़ रुपया भी उनके खातों में, पूरे मध्यप्रदेश में हमारी माताओं बहनों के खातों में राशि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भेजी जा रही है। तो जो जो उनकी मांगे थी, मांगों को हम माननीय मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। कोई ऐसी, वैसे तो वो बहुत खुश हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमें आपने रोजगार दिया है। पहले माताओं बहनों का इस प्रकार से सम्मान नहीं होता था, जिस प्रकार से हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सीआरपी संघ का ये प्रांतीय अधिवेशन था, उसमें यहाँ पर हमारे संघ के लोगों ने, संघ के प्रांत अध्यक्ष ने 3 मांग उठाई। उनको पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए, आजीविका मिशन में जो नौकरियाँ निकलती हैं उसमें यह योग्यता के अनुसार इसमें जो कार्य कर रहे हैं हमारे सदस्य उनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसे 2-3 मांगे उन्होंने एक मांग पत्र पूरा दिया है। निश्चित रूप से ये सही बात है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ये छोटे कार्यकर्ता और हमारी शासन की योजनाओं को सबसे निचले स्तर तक ले जाते हैं और इतना छोटा सा मानदेय में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इनको मानदेय दिया जाना चाहिए। मैं मिलकर माननीय मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराएंगे और इनका सहयोग